मैंने तो रखा है बोलू मजा आया था ना बेलन है बचपन की बात कर रही हूँ ड्रामे बाज ओ मेरा गुगली मुख छोरा हरियाणे का भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। वो क्यों? क्योंकि आज हम करने वाले हैं भरपूर सफाई, क्योंकि हमारे जो बेड्स हैं वो हमने लास्ट टाइम ठीक किए थे, लेकिन जब हमने सारे कपड़े नीचे दिए थे तो वो नीचे पूरे कपड़े फैले हुए हैं। आज उन सारे कपड़ों को चेक करके अच्छे से और बेड में सेट करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई है और सामान रखने के लिए भी जगह बनानी है। कुछ पहन ले, ठंड हो रही है यार। मैं वही कर रही हूँ, शर्म नहीं आती। मतलब बाहर का मौसम मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना ठंडा हो रहा है, और इस लड़की को इसने गोवा समझा हुआ है। जवानी छा रही है तो मतलब ये कुल हाँ ऐसे बोलो, ये लड़की को जवानी छा रही है। मतलब इसको लग रहा है गोवा के अंदर है। बाहर कुल्लू मनाली वाला मौसम है, आप देख सकते हो दूर दूर तक धुंध धुंध नजर आ रही है। बहुत ही ठंडा मौसम हो रहा है। ओह माय गॉड, बारिश आ रही है। अरे हाँ, ओहो अब तो और ठंड हो जाएगी। चीकू चीकू नहीं, चीकू तो चल बाहर नहीं आना बेटू, मुझे ठंड नहीं लग रही। नितिन भैया बाहर बारिश आ रही है। हाँ सर, हाँ आंटी, सच में जल्दी आओ। अरे तो बारिश आ गई, कोई बड़े बात होगी कि मैं ओले गिर गई क्या। देखो भैया बाहर बारिश आ रही है और चांद भी निकल रहा है। कहाँ है भाभी चांद? कहाँ है चांद? कहाँ भैया? ये तो ना इधर आओ, दिखाती हूँ। मुझे आंटी भी आई है, दिखा दे आंटी अपने कपड़े उठाने के लिए बोल रहे, ये कपड़े हैं बाहर, बारिश सारे कपड़े उठा लो। आंटी मेरी नजर से ना कोई चींटी तक नहीं निकल सकती हमारे घर से बिना पूछे, तो ये तो जाली है, तो निकालने तो पड़ेंगे। कावर कैसी थी पायल? बहुत ही खराब। खराब थी, चींटी नहीं निकल सकती हमारे मेरी नजरों से। तो अभी हम मैं और पायल जा रहे हैं नीचे राजा रानी से मिलने, और साथ के साथ बहुत सारा काम जो फैला हुआ है। तो आज हम सोच रहे कल तो हमने शॉपिंग कर ली, पर शॉपिंग के बाद कपड़े कहाँ सेट करें, तो आज जा रहे हैं नीचे थोड़ी सी सेटिंग करने। वैसे तो हम लोग रोज सेटिंग करते हैं, पर आज थोड़ी सी और सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग कर करके हम परेशान हो गए हमारे कपड़ों की। तो हमारे घर में एक भैया, दो भैया और आए हैं जिन्होंने बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाई। एक बार साइड होना भैया, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाई जिसकी खुशबू मुझे दूर से सूंघाई दे गई है और मुझे बहुत अच्छी लग रही है सब्जी। तो मैं एक कटोरी सब्जी लेके जाऊंगी ऊपर। तो ये जो रानी है, ये रानी घूम रही है इधर उधर। रानी अभी फिट एंड फाइन है, डॉक्टर आया था। ये पैकेट जो तू पूछ रही थी ना, वो स्कूल में पड़ा था, बता दे। अभी तो रखा है मैंने। अच्छा, मैंने तो रखा है बोलू। मुझे लगा था दिखा नहीं, वहां से उठा के मैंने रखा है यहाँ पे। मैं वो सोचा कि किस यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने रखा है इधर। तुम्हारे घर में चिमटा और बेलन की दिक्कत हो रही है, एक नीचे बेलन हो रहा है तो एक ऊपर बेलन हो रहा है, तो हम बेलन और चिमटा जरूर मंगवाएंगे। गाइस हम नीचे आए थे इस अलमारी को सेट करने के, पर हमारा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। हम सोच रहे हैं वापिस चलते हो, वापिस जा रहे हैं। देखो कोई फायदा नहीं अलमारी सेट करने का, हम बहुत सेट करते हैं बट ये अपने आप सेट हो जाती है। तो डब्बों में सब सामान रखा है, सेफ है, तो बंद कर दो। पायल ने सब्जी मार ली मतलब उसको इतनी अच्छी सूंघ आई। हाँ यार कसम से खुशबू बहुत अच्छी है यार। किसी किसी के हाथों में ना कला होता है। दरवाजा देख ले कैसे बजा रही है हवा से, हवा से। यार आज मौसम बहुत ठंडा है पायल यार। वैसे एक बात बोलो, रोज ही बोलते हैं मौसम ठंडा है बट आज ज्यादा ठंडा लग रहा है। गाइस हमारी लिफ्ट रुक गई, हम फंस गए हैं। तो ये लगता है मेट्रो में हम, वो कह रही है तुम्हें बचाया जाएगा जल्दी। तो इसने इतने बदतमीजी से चिल्लाया कि मैं डर गई थी, पर मैंने बोला कोई बात नहीं, चलेगी नहीं चलेगी, नहीं मैं नहीं जा रही, चुपचाप ऊपर चल, एक जिंदगी है, कोई बात नहीं। गाइस हम चौथे फ्लोर से जाएंगे सीढ़ी पर आप लोगों से बात करते करते, तो कैमरा नहीं रुकेगा आज। पायल एक बात बता, अगर लिफ्ट नीचे रुक गई तो डर नहीं लगता? तो गाइस अभी हम पांचवें फ्लोर पे, आठवें पे जाना है। चलो इस बहाने हम थोड़े पतले भी हो जाएंगे। हाँ, आज दो किलो कम हो जाएगा, आधा किलो तो हो जाए, सही लगेगा। तो बड़ा मुश्किल है ऊपर चलना, नीचे आना थोड़ा आसान है। तो ये छठा फ्लोर है। ओहो मैं थक गई हूँ, सब्जी भी ठंडी हो गई। हमारे फ्लोर की पहचान ही अलग है, ये जूतों का रैक। ओहो आंटी,
कुछ आया है क्या? कोई पार्सल आया है? तो गाइस जैसे ही ऊपर आए देखा एक पार्सल था, तो पार्सल को मैंने तहस नहस करके खोल दिया। तो इसमें पायल ने मंगवाई है वेलवेट की चूड़ियां। ये जो ऑर्डर है ये पायल ने 2 से 3 महीने पहले मुझे बताया था कि गोलू मैंने चूड़ियां ऑर्डर करी है, फाइनली हमारी चूड़ियां आ गई है। वो नहीं आई 2 से 3 महीने, मैंने दोबारा ऑर्डर किया। चिकू खोलना नहीं है इसे। हम लोग इतने सूट साड़ी पहनते हैं और बिना बैंगल्स के पहनते हैं। हाँ बैंगल्स तो आ गए एटलीस्ट। ओहो लाइट इधर भी चली गई। अभी लाइट चली गई थी, हम लिफ्ट में फंस गए थे, वापस पैदल आए हम। आप भाग के डर के पता आपको। पहले मैं खाना डाल के ले आई हूँ, खा ले खड़े जो। आंटी चाय लेके आ रही है। ठीक है आजा चीकू, तू भी खा ले। आलू गोभी भी है। चीकू एक आधी रोटी तू भी खा ले, ऊपर आ जाओ। चीकू ट्यूशन कब जाना आपको? बस इसका टाइम भी होने वाला है। तो हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि किसी को अगर पिंपल्स की एक्ने की प्रॉब्लम है तो फ्यूसीबिट लगा सकते हैं। गोलू को उससे बहुत आराम मिल रहा है, आप भी लगा सकते हैं। हेलो। तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। पायल तुझे एक बात याद है, हैदराबाद में जब हम नीचे वीडियो बना रहे थे एक बार अचानक से बहुत तेज बारिश आई थी, हमने कहा पकोड़े खाने, हम नीचे वीडियो बनाकर ऊपर गए थे, हमने पकोड़े बनाए थे। लाइट चली गई थी, लाइट चली गई पर तब भी हमने पकोड़े बनाए थे। है भैया मजा आया था ना, हैदराबाद में मजा आता था ना भैया। ऐसा देखो यहाँ पे भी मजा आता है, बट ना मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम सोसाइटी में रहती है, वहाँ पे थोड़ा सा हम मतलब घूम पाते थे ज्यादा ना। तो हमारी फोटोज आ गई, दिखा तो दे। देख पागल इधर नहीं है तो वैसे ही है नकली। नहीं ब्राइटनेस कम करो। तो गाइस हमारी फोटो आ गई है फाइनली, जो हमने शूट किया था उस दिन। हाँ तो देख लो कालू भैया की फोटो, पायल मेरी फोटो, बहुत सारी आई है मजेदार फोटो। तो अभी बज चुके हैं 4 और हम लोगों को लग रहा है कोई काम नहीं है, तो हम थोड़ी देर सो जाते हैं। अरमान जी सुबह उठते ही फ्रेश होके नहा धो के चले गए थे गाड़ी के टायर्स चेंज कराने, और वो अभी तक आए नहीं है। उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ प्रोटीन पी के गए। अब पता नहीं रास्ते में उन्होंने कुछ खाया होगा कि नहीं, और पता नहीं कितना टाइम लगने वाला उनको आने में। तो मैं सोचू तब तक हम लोग सो जाते हैं दोनों, और जब वो आएंगे उठ जाएंगे उनको खाना वाना पूछ लेंगे। तो गोलू हमेशा फोन में रहती है, क्या कर रही गोलू? पालिया मैं जीन्स देख रही थी। मतलब कल जीन्स लेके आई है? नहीं जीन्स मैं लेके आई हूँ, ट्राउजर और मैं लेके आई हूँ, एक जैगिंग्स लेके आई हूँ और एक रेड कलर का ट्राउजर लेके आई हूँ। पाल लेके आई है ब्लू कलर के डेनिम और साथ में एक लेदर पैंट्स है रेड कलर। फिर भी ये शॉपिंग कर रही है अभी ऑनलाइन? मतलब कितना खर्चा करवाएगी? मैं विंडो शॉपिंग कर रही हूँ। अच्छा सिर्फ देख रही है? सिर्फ देख रही हूँ, कुछ कार्ट में नहीं डाला मैंने। तो ये टाइम वेस्ट कर रही है, पर मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि इतनी मुश्किल से मेरा चेहरा ठीक हुआ है और मैं इस चेहरे को खराब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं जा रही हूँ सोने। तो यहाँ पे पायल भी रेस्ट कर रही है और बस मैं लाइट बंद करने वाली हूँ, मैं भी आ रही हूँ। ठीक है गुड नाइट। गुड नाइट। यहाँ पे दोनों बहनें भी रेस्ट कर रही है, फुल बतिया रही है, आंटी क्या बातें चल रही है, बैठो बैठो आराम से। तो आज घर में ज्यादा काम है नहीं, और अच्छा अपने ऊपर जो बीती उसकी बातें चल रही है। चलो चलो आराम से बतियाओ और दरवाजा कर लो बंद, क्योंकि हो रही है ठंड। मतलब ये लगाओ आंटी, हर जगह के दरवाजे बंद है पर तब भी ठंड है ना। अभी क्या ठंड चल रही है। हाँ ये देखो आंटी हल्का सा खुला हुआ है, रुको रुको मैं कर रही हूँ। हाँ तो आप आराम से बातें करो। मैंने ना गुड्डी आंटी और दूसरी आंटी को बोला आप क्या बतिया रही हो है, क्या बातें कर रहे हो? तो आंटी कह रहे अपने ऊपर जो बीती उसकी बातें कर रहे हैं। क्या बीती इनके ऊपर? मुझे समझ नहीं आया मतलब कैसे। कह रही आंटी, कह रही जो अपने ऊपर बीती उनकी बातें कर रही। बचपन की बात कर रहे होंगे वो दोनों बहनें मिलके, और क्या करेंगे। कितनी शैतानी करती थी, गांव-गांव में खुदकती थी, लॉलीपॉप खाती थी, खुदकती थी। मैं यहाँ अच्छे भले लेटी हुई थी, तो ये जो लड़की है ना, ये जो शख्स है यहाँ पे, ये मेरे को बोल रही है ये आ गए उड़ जा, अच्छा लगता उड़ जा है, और मुझे उठा के खुद सो रही है। ऐसी पहल बाहर गई कपड़ा कंबल लिया मैं सो रही, बहुत देर से बातें कर रहे बार मेरे यार चुपोएंगे चुपोएंगे। पायल आवाज तुम्हारी गोलू का गई, मुझे सुनाई भी दे रहा मैं बोली नहीं। पायल कहते गोलू सॉरी मैं एक्टिंग करती ड्रामे बाद में अच्छी बनी इधर लेटी हुई थी आराम से, और देखो मेरा तकिया भी वहां से गायब है। तू लेटी हुई कैसे ले लिया? तू लेटी हुई थी, मैं तुझे बोला खड़ी होता अच्छा लगता है, ये लोग आके बाहर जैसे गई मैं। तू देख सकते हो कितनी चलाक लड़की। नहीं हमारे घर में एक ही कम तकिया, तो एक एक करके। एक्चुअली मेरे कमरे में 2 तकिए थे, लेकिन जब मम्मी और शीना आई थी तो वो तकिया मैंने नीचे दे दिया था एक, क्योंकि सपना दीदी जब गए थे तो शायद पिल्लो ले गए थे, तो पिल्लो की कमी होने के कारण एक ही पिल्लो है मेरे रूम में। और जो ये जो लेडी है ना, ये इतनी आलसी है कि अपनी शॉपिंग कर ली इसने, लेकिन एक तकिया नहीं ला सकी, बेलन भी नहीं लाए, चिमटा, बेलन और चिमटा तो आज ही बता लगा के लिए तकिया। इधर आप लोगों को एक बात बताती हूँ, हमारे घर के पास एक शॉप है जिससे हम अपना डेली का सामान लेते हैं, दूध दही वेजिटेबल राशन का सामान। तो हमारे घर में कुछ भी खत्म होता है हम फोन करते हैं, हेलो भैया चाकू भिजवाना, हेलो भैया पीलर भिजवाना, आज मैंने फोन किया मैंने कहा हेलो। तो वो लोग क्या करते हैं? बेलन है। कह रहे किस लिए चाहिए? मैंने कहा रोटी के लिए चाहिए। कह रहे बेलन है तो नहीं। एक्चुअली क्या है कि उनका सिर्फ ग्रोसरी स्टोर है, लेकिन हमने उस स्टोर को ना मल्टी पर्पस स्टोर बना दिया है। मतलब हमें कुछ भी चाहिए होता है ना, तो वो क्या करते हैं, इतने अच्छे भैया इतनी अच्छी भाभी है, वो अपने बच्चे को भेज के
वो स्पेशली हमारे लिए मंगाते हैं फिर घर पे भिजवाते हैं। जैसे मुझे ना हैदराबादी भी एक्ने की प्रॉब्लम है तो स्टार्टिंग से रही है, तो मेरा फेस वॉश था तो कहीं नहीं मिल रहा, मैं उनको फोन के मैंने कहा भैया प्लीज फेस वॉश भिजवा दो, वो भिजवाया। राजा रानी का सैलेक होता है, मतलब मेरे को सिर दर्द की गोली चाहिए होती ना तो उनके शॉप के साथ ही केमिस्ट में है तो उनका नंबर तो है नहीं, भैया वहां से लेके भिजवाते हैं। तो भैया भाभी बहुत अच्छे हैं। तो ये सारे कपड़े वो है जो हमें टेलर के पास लेके जाने हैं, पर हमारा मन नहीं करता घर से निकलने का। और कल भी शॉपिंग के लिए मैंने इतनी बार मना किया कि गोलू मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है, फिर भी हम लोग शॉपिंग करने चले गए। और वो जाने से पहले कम से कम हमने 10 बार कपड़े चेंज किए थे, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। जो हम लास्ट से लास्ट टाइम शॉपिंग करके आए थे वो वाले जो टॉप थे ना, फाइनली मैंने वो टॉप निकाल के वो पहने। कल की बात बता रही हूँ, कल इतना परेशान हो गई थी पायल, एक टाइम पायल ने बोला मैं नहीं जा रही गोलू मुझे कहीं नहीं जाना, क्योंकि पहले हमने ब्लैक टॉप पहना, फिर हमने पतला वाला टॉप पहना, फिर हमने कोट पहना, फिर हमने एक और टॉप चेंज किया, उसके बाद हमने वन पीस पहना, फिर वन पीस के अंदर हुआ क्या, इतना वन पीस था, तो फिर जूते इतने, तो मेरे मेरे लेग्स के बीच में इतना गैप आ रहा है, मैंने पायल स्टॉकिंग्स नहीं है, फिर मुझे ठंड लगेगी, पायल के तो ज्यादा लॉन्ग शूज है, तो बहुत परेशान हुए कल। फिर हमने ऑरेंज टॉप पहना हार, तो इसका मुंह बन गया था इसलिए मैं गई, इसके लिए गई मैं, वरना मेरा बिल्कुल मन नहीं था कल मॉल जाने का। चीकू और मैं बचपन से सेम है, मतलब कि मैं भी ऐसी थी, चीकू भी ऐसा था। तो जो चीकू का एक कंबल है, तो आपने देखा होगा कि हर व्लॉग में कंबल कोने पे कहीं ना कहीं रहता है, तो चीकू क्या करता है सोते टाइम ना इसका एक कोना होता है, तो मैं बताती हूँ चीकू का कोना कौन सा है। जो सबसे खुरेदादार कोना होगा ना चीकू का होगा, तो बाकी सारे कोने सॉफ्ट है, थोड़ा सा खुरेदादार है, तो चीकू क्या करता है सोता है ऐसे, तो एक कोना लेके सोता है, तो मतलब मैं भी ऐसे सोता नहीं है, वो ऐसे ऐसे करता रहता है, ऐसे ऐसे खुरेदता है, ऐसे ऐसे करता है। तो चीकू सबसे पहले आते बोलता है मुझे कोना, तो अभी तो हमने छोटा कंबल है, तो जब चीकू 2 साल का था ना, तो एक इतना बड़ा ना एसी ब्लैंकेट, तो जैसे ये है ना एसी ब्लैंकेट, मतलब ये तो बेडशीट है ऐसे एसी ब्लैंकेट, तो चीकू ने उसका कोना बना लिया था। हम इतना परेशान होते थे कि चीकू मॉल जाता तो मम्मी मुझे कोना चाहिए कोना चाहिए। तो आपके घर में भी, आपके घर में भी जरूर ऐसा ऐसा कोई ना कोई कोना जरूर होगा, अगर आपके बच्चों में भी ये आदत होगी कमेंट में जरूर बताना। तो इसने चीकू के पापा को दी थी इसमें पंजीरी, और भैया ने भी खाई पंजीरी, और बैठे हैं दोनों लोग, और गोलू ने उठा ली, बहुत सारी पंजीरी डाली थी इसमें, बहुत सारी भी पूरा डब्बा भरा हुआ है, पंजीरी खत्म नहीं हो रही, बट हम इस महीने पंजीरी खत्म कर देंगे क्योंकि सर्दियां जाने वाली है। यहाँ पे भैया एडिट कर रहे हैं बहुत अच्छी वीडियो जो कि हमारे इसी चैनल पे आएगी, उसको भी पूरा प्यार देना। तो आंटी खा रही है यहाँ पे ये बेक वाला केक, और दे दो ये दियंती भी खा रही है, तोरा क्या ज्यादा लो आंटी, तोरा नहीं ज्यादा लो आंटी, जो चीज होती है ना मैं आपको क्या मानती हूँ, चीज को ना उसी टाइम यूज कर ले सही रहता है, अगर चीज पड़ी रहती है तो पड़ी रहती है। नितिन भैया को भी दे दे, भैया लोगे केक, ये तो मीठा नहीं, ये दूसरा केक है, दूसरा केक है ये। तो आज हमारे घर में बहुत सारे टीवी है, बहुत सारे जैसे कि लाइक एक ये है, एक वो है, एक ये है, पर चलता सिर्फ यही है, पर अब चलाते सिर्फ यही है क्योंकि मेरे रूम में ही टीवी देखता है, अगर कोई देखता है तो चलता ही है, और हमने रिचार्ज भी सिर्फ इसी में लगा रखा है बाकी हमने ऐसे शोपीस के लिए लगाया हुआ है। तुझे पता है पायल आज आज ये इधरा मॉन्टी भैया, मैं पायल को बता रही हूँ कि आज आप लोग इतना बड़ा सिजलर खाया इन्होंने और ब्राउनी है, सिजलर पायल सही बात है। तो अभी मैं बोल रही जब आई ना मैंने कहा आपको भूख लग रही होगी, मैं भूख लग रही है, भूख भूख तो नहीं लग रही, अच्छा थोड़ी देर पहले मैंने सबको बताया था कि चिकू के पापा सुबह से निकले हुए टायर लगवाने और 4 बज चुके ना, कुछ नहीं खाया, हम यही सोच रहे थे ना सिजलर, हमें क्या पता था छुपे ने उसमें सिजलर खा के आए, घर पे आ जाएगा सिजलर, मुझे तो मीठा बहुत पसंद है। नहीं नहीं मैं नहीं खाती मीठा, नहीं खाती इसको, फिर इसको एक काम करो जलेबी सिजलर में। तो बाहर बहुत बारिश हो रही है इसलिए हम लोग दोनों आंटियों को नितिन भैया के साथ छुड़वा रहे हैं गाड़ी से, क्योंकि बारिश में वो लोग घर जाना बहुत मुश्किल होगा उनका, तो आंटी बाहर वेट कर रही हैं घर जाने के लिए, और नितिन भैया कर रहे हैं थोड़ा सा काम, काम करने के बाद वो दोनों आंटियों को छोड़ के आएंगे घर। तो गाइस मैं और चीकू लेकर आए हैं पायल के लिए सैंडविच, बहुत टेस्टी, पायल कैसा लगा? ओ मेरा बच्चा, ओ मेरी गुगली मुगली, ओ मेरी गुगली मुगली मुस, ओ मेरी बेरी, बहुत अच्छा है पाय, मुझे भी करेगी ना गूगली मुगली, मैं तो सैंडविच लेके आई, बोला तो गूगली मुगली, दोबारा से बोलना आज से बोलना, ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा गूगली मुगली मुझे बच्चा 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 किया। तो गाइस अभी मैं और चीकू के पापा, चीकू और हमारे भैया थे दोनों, मीत भैया यशप्रीत भैया, तो हम लोग खा के आए हैं सैंडविच, सैंडविच के साथ हमने खाया वेफल, जो कि आप लोगों को ब्लॉग दिखेगा चीकू के चैनल पे, क्योंकि चीकू को आज हम लेने गए थे ट्यूशन में। आपको पता है चीकू का क्या वो था सस्पेंस, हमने जैसे ही ना ट्यूशन में गए ना हम अंदर घुसे कैमरे के साथ, मैंने बोला चीकू सरप्राइज, तो चीकू ऐसे शॉक, फिर ना लिफ्ट में वापस आए, मैं चीकू ऐसा मैं और चीकू के पापा आपको ऐसे रोज सरप्राइज दिया करे, तो चीकू ने बोला
नो इसलिए मना करा कि मस्ती नहीं कर सकता ना मेरे साथ। तो चीकू बहुत शौक था। चीकू नो नो बेटा ये चीज़ दूर रहो। तो अभी पायल एंजॉय करिए सैंडविच, और ये वाला सैंडविच मैं लेकर आई हूँ नितिन भैया के लिए। नितिन भैया को बोलती हूँ खा लो। चीकू के पापा के लिए सैंडविच लेकर आए हैं। भाई नोरी रो रहे भैया, रो मत पायल यार, ये तो हर बात पे रोता है यार। सैंडविच दिया फिर रो रहा था, हर बात पे रोता है यार, क्या करूं। नितिन भैया सैंडविच खा लिया? हां जी भाभी सही था। अच्छा पायल को बड़ा अच्छा लगा, कह रही दो और मिल जाते तो। तो हमारा बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट हो गया, उसको अपना नाम लिखना आ गया है। मैंने सिखाया, मैंने सिखाया आपको। तो बेटा कोई बात नहीं, आप हो तो कोई इंटेलिजेंट। तो गाइस ये जो ड्रेस गोलू ने पहनी है ये विंटर ड्रेस है, इनकी पसंद है और इनकी भी पसंद है, और ये हमने टीजन मोर से मंगाई है, और ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। हम ऑनलाइन कुछ स्वैप कर रहे थे, कुछ देख रहे थे, तो इनको ना ड्रेस पसंद आई, तो उन्होंने बोला गोलू ये ड्रेस मंगाओ, तो बहुत ही अच्छी ड्रेस मंगवाई है। इसका जो ऑर्डर है, मैं ये चीज सोच रही हूँ कि ये जो ड्रेस है ना तुम बाहर भी पहन सकते हो घर में भी। तो इसके अभी हमने दो कलर मंगवाए थे, ब्लू और ये कलर। पायल ने पहना था ब्लू, मैंने पहना था ये। तो मैं सोच रही हूँ काम करते दो कलर और बच्चे ब्लैक कलर वो भी मंगवा लूँ। तो गाइस हमने मंगवा ली है दो दो फ्यूसी बेड, क्योंकि उस दिन जो पीएच हमारा सेक्शन हुआ था उसके बाद स्किन काफी फटती है। तो पायल के लिए, मेरे लिए, कालू भैया के लिए और इनके लिए तो मैंने मंगवा ली है दो दो फ्यूसी बेड। तो बहुत ही अच्छी क्रीम है ये, है ना पायल? जो तूने अभी इससे पहले वाले शॉट में जो बोला था ना, हाँ इतना इतने सारे वर्ड और इतने भारी भारी वर्ड, मतलब मत बोला कर यार, डाइजेस्ट नहीं होते। मुझे ना इनो पीनी पड़ेगी। चल इनो, मेरे भी आज सर में दर्द हो रहा है आज सुबह से, पता नहीं क्यों। क्यों सर में क्यों दर्द हो रहा है? पता नहीं सुबह से ऐसे लग रहा है भारी भारी। देख देख कैमरा हिल रहा है, सच में भारी भारी हो रहा है। तो ये लड़की सुबह से मूवी देख रही है, कोई ना कोई, कोई ना कोई, कोई ना कोई, बाज नहीं आ रही लड़की मूवी से। तो अभी पायल का थोड़ा सा गड़बड़ चल रही थी तो मैंने इसको इनो दिया है। सही लग रहा है? ये इनो सर्फ का पानी होता है क्या? पता नहीं, मैंने तो अच्छे से बना के दिया, आधे ग्लास पानी में एक चम्मच। सही लग रहा है? सोच तू, मुझे कुछ नहीं हुआ था, मैंने भी पिया है। मैंने पायल के लिए इनो बनाई, पायल के लिए पी के देख, पी देख। मैं चल मैं भी पी लेती हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। पायल रबर बैंड, ये रबर बैंड ये ले। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, ये रबर बैंड हमारे घर में शायद इसको 3 साल हो गए हैं। तो अहमदाबाद से हमने लिया था, तो ऐसे 4-5 लिए थे, तो इतना लूज रबर बैंड है ये। लेकिन पता है इसकी ना चोटी बहुत अच्छी बनती है, ऊंची ऊंची है। तभी तो तू फेंकने नहीं देती। मैं फेंकने नहीं, इसने काला और घी लाइट चली गई। पायल चीकू की मैम ने आज छोले पूरी भेजे हैं, मतलब नितिन भैया भी गए थे ना तो छोले पूरी भेजे। धीरे भैया लेकर आए हैं ना, धीरे भी लेकर आए ना। पायल की क्या लेकर आऊं? ले आ चीकू को। मेरा भी, मेरा मन कहा धैर्य भैया, लेकर आती हूँ। तो गोलू का वेट कर रही हूँ मैं, कब आएगी। अच्छा आई गई आखिर लेके। ये मुझे देख रहे थे पायल जब मैं खाना लेकर आएगी, क्यों अभी तो मैं खा कर आई हूँ। क्या खा के? यार मैंने एक रैफल खाया था और एक पीस सैंडविच का खाया था, मतलब एक इतना रैफल, एक इतना, मतलब ये खाया था दो चीजें। मुझे लगा व्हाइट वाले छोले। चीकू यम्मी, लैश करवा रखा है मम्मी को। बता दो दुकान सही है। चीकू की मैम ने भेजी है, आप लोग गए थे लेने चीकू को। हाँ। लेकिन मैम भूल गई, किचन में रखा था डब्बा पैक करके। अच्छा। फिर मैम ने भैया को भेजा है। तो पायल और चीकू देख रहे हैं बैठ के एंग्री बर्ड्स, मतलब कोई मूवी नहीं देख रहे, ये मूवी वाला कार्टून देख रहे हैं। और जल्द ही चीकू का और हमारी सारी फैमिली के भी ऐसा एक कार्टून नेटवर्क आने वाला है। तो अभी है हमारा फैमिली टाइम, और गोलू बहुत सारा खाने का सामान ले आई है। गोलू गजक भी लिया, ठीक है। और कुछ लोरी वाली गजक रखी है ना? हाँ हाँ हाँ। चॉकलेट भी ले आना, थोड़ी चॉकलेट नहीं है बेटा। और गोलू यहाँ पे मामा, मुझे बताए यहाँ पे कपड़ा फ्रिज में रखी है, ठीक है ले आऊंगी। तो दूध गर्म कर रही हूँ, ये है गोलू का, मेरा बोनटा का दूध, ये चीनी का, चीकू के पापा का, और यहाँ दूध गर्म हो रहा है।